एक गांव में भोला नाम का लड़का रहता था। वो नाम के जैसे ही भोला था। वो गांव में चिकन बिरयानी का ठेला लगाता था और बिरयानी बेचता था। गांव के लोग उसके पास से बिरयानी खाते, लेकिन कोई ना कोई कारण बता के उसे पैसे ही नहीं देते थे। ऐसे में एक दिन गांव का एक आदमी बिरयानी खाने उसके ठेले पर आता है। अरे भोला, जरा एक प्लेट बिरयानी देना और अच्छे अच्छे से लेग पीस देना। भोला उस आदमी को एक प्लेट बिरयानी देता है। वो आदमी जैसे तैसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बिरयानी खा लेता है। बिरयानी खत्म होते ही भोला उसे कहता है, अरे भाई 150 रुपए हो गए। पैसे की बात सुनकर वो आदमी खांसने लगता है और कहता है, अरे भोला, क्या मिलाया था बिरयानी में, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। ऊपर से खाते ही देखो मुझे कैसे खांसी शुरू हो गई। ऐसा कहकर वो आदमी भोला को बिरयानी के पैसे नहीं देता और वहां से चला जाता है। इस तरह हमेशा ही भोला को बिना पैसे देकर लोग उसके ठेले से चले जाते हैं। इस वजह से वो घर में ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था और उसकी बिरयानी भी खत्म ना होने की वजह से उसका रोज नुकसान होता था, जिस वजह से उसकी बीवी मंदा भी बहुत परेशान थी। अरे मेरे भोलेनाथ, कुछ तो सयाने काम करो, पूरा काम तो घाटे में जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग मेरी बिरयानी पसंद ही नहीं करते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंदा अपने सर पर हाथ रखकर अपने काम करने लगती है। फिर बेचारा भोला सोचता है, एक काम करता हूँ, मैं कल से ठेला ही नहीं लगाता और गांव के पर्वत पे जाकर संन्यास ले लेता हूँ। ना ही दुकान की झंझट, ना ही बीवी की। ऐसा कहकर दूसरे दिन ही भोला सवेरे सवेरे जंगल से होते हुए पर्वत की तरफ जाता है। तभी उसे पर्वत के नीचे एक खुशबू आती है। उस खुशबू के पीछे पीछे वो जाता है और एक जगह जाकर रुक जाता है, लेकिन वहां उसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। उसी जगह उसे खाने की अच्छी खुशबू आती ही रहती है, जिस वजह से वो झाड़ियों को इधर उधर करके देखता है। तभी उसे एक जमीन में सुरंग दिखती है और वो उस सुरंग से अंडरग्राउंड में जाता है। वो वहां देखता है कि कोई छोटे छोटे लोग चिकन बिरयानी बना रहे हैं और उसकी ही खुशबू आ रही है। तभी एक छोटा आदमी भोला को देखकर कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा इंसान, ए भागो भागो, ये हमें खा लेगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर खाने की खुशबू सूंघते हुए आया हूँ, तुम क्या बना रहे हो? हम यहाँ चिकन बिरयानी बना रहे हैं। क्या कहा, चिकन बिरयानी? वो तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे बिरयानी की इतनी अच्छी खुशबू कभी नहीं आती। अच्छा, तुम भी बिरयानी बनाते हो, ये तो अच्छी बात है। आओ हमारी बिरयानी खाकर देखो। भोला उनकी चिकन बिरयानी खाता है और कहता है, अरे वाह, क्या चिकन बिरयानी बनाई है तुम लोगों ने, मन भरता ही नहीं। लेकिन जब मैं ऐसी बिरयानी बनाता हूँ तो गांव के लोग मुंह टेढ़ा कर करके खाते हैं बेचारे, और पैसे भी नहीं देते। कोई बात नहीं दोस्त, आज के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बताएंगे तुम्हें कि अच्छी बिरयानी कैसे बनाते हैं। वो छोटे आदमी भोला को बिरयानी के अंडरग्राउंड में बनाने का रहस्य बताते हैं और कैसे अंडरग्राउंड में बिरयानी बनाने से उसका टेस्ट बना रहता है, ये सब कुछ बता देते हैं। भोला सब सीखकर वापस अपने घर आता है और दूसरे दिन से जैसे उन छोटे लोगों ने उसे बिरयानी बनाना सिखाया, वैसे ही बनाने के लिए वो अपने दुकान के नीचे ही एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और वहां पर बिरयानी बनाने लगता है। उस अंडरग्राउंड में बिरयानी बनाने की वजह से बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और भोला की अंडरग्राउंड बिरयानी बड़े ही जल्दी मशहूर हो जाती है। बलरामपुर नाम के गाँव में
जगदीश नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम पवन था वो एक पायलट था। दिस इज कैप्टन पवन ऑफ फ्लाइट 305 लैंडिंग ऑन रनवे 7 लैंडिंग ऑन रनवे 7। पवन का छोटा भाई एक बाइक मैकेनिक था, उसका नाम जीवन था। गांव में जिसकी भी बाइक खराब होती थी या रिपेयर करानी होती थी वो जीवन के पास ही आता था। एक बार पवन छोटा प्लेन लेकर गांव में आता है। इसे देखकर पूरे गांव वाले जगदीश की बहुत तारीफ करते हैं। एक आदमी कहता है, अरे जगदीश, तुम्हारा बेटा तो हीरा निकला। देखो उसने पायलट बनकर गांव का नाम रोशन किया। तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला है। अरे जीवन, तुम भी ढंग से पढ़ाई करते तो आज अपने बड़े भाई के जैसे ही गांव का नाम रोशन करते। क्यों तुम गांव में बाइक रिपेयर करके अपना टाइम खराब कर रहे हो? आपकी बात सही है, लेकिन पवन को बचपन से ही एरोप्लेन में इंटरेस्ट था, इसलिए वो बड़ा होकर पायलट बना। लेकिन मुझे बाइक में ज्यादा लगाव था, इसलिए मैं बाइक मैकेनिक बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे भाई के लिए कम खुशी हुई है। वो पायलट बना, इसकी सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही हुई है। तभी पवन कहता है, अच्छा वरे जीवन कि तुझे बचपन से बाइक पसंद थी। अगर कहीं कचरा उठाना पसंद रहता तो आज कचरा उठाने वाला बनता था तू। लेकिन कम से कम तूने औकात के हिसाब से बाइक मैकेनिक बनकर हमारी इज्जत बचा दी। पवन की बातें सुनकर गांव के सभी लोग जीवन पर हंसते हैं और जीवन भी बहुत उदास होता है। फिर थोड़ी देर गांव वालों से बात करके पवन अपनी पूरी फैमिली को प्लेन में बिठाता है और एक उड़ान पर लेकर जाता है। प्लेन उड़ाते हुए पवन कहता है, माँ बाबूजी, मुझे प्रमोशन मिला है और मेरी पगार भी बढ़ गई है। अब इस गांव में इस बाइक मैकेनिक के साथ रहने से अच्छा है आप लोग मेरे साथ रहने आओ, कम से कम मेरी इज्जत बचेगी। ये बात सुनकर पिताजी कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है बेटा तुम्हारी तरक्की देखकर। मेरे जैसे गरीब आदमी के यहाँ पैदा होकर तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। हम जरूर तुम्हारे साथ आएंगे बेटा, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई का भी कुछ हो जाए तो जरूर आएंगे। हम इस तरह उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अरे पिताजी, इस जीवन से आपको अभी तक उम्मीद है? छोड़िए पिताजी, इससे कुछ नहीं होने वाला। पवन की ये बात सुनकर जीवन और भी नाराज होता है, लेकिन वो अब कुछ करने की ठान लेता है। अपने मैकेनिक होने के हुनर से वो सबसे पहले तो गैराज में दो जेट इंजन बनाता है और अपने दिमाग से उसे एक बाइक के दोनों तरफ लगाता है और एक बाइक को फ्लाइंग बाइक में कन्वर्ट कर देता है। तैयार होने के बाद वो अपनी फ्लाइंग बाइक की उड़ान भरता है। सारे गांव वाले ये देखते ही रहते हैं और जीवन की बहुत तारीफ करते हैं। जीवन अपने पिताजी से कहता है, देखिए पिताजी, ये मैंने फ्लाइंग बाइक तैयार की है। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, अपने गांव में ही फ्लाइंग बाइक बना डाली। जीवन दूसरे ही दिन बड़े भाई पवन के एयरलाइन कंपनी में अपना आविष्कार दिखाने जाता है, लेकिन पवन और उसके बाकी साथी उसका मजाक उड़ाकर जीवन को वहां से भगा देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में बहुत बारिश होती है और पूरे गांव के चारों ओर पानी भर जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी जीवन के पास गांव का ही एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ आता है। अरे बेटा जीवन, मेरे बेटे का कल शहर में कलेक्टर का इंटरव्यू है बेटा, लेकिन गांव के चारों तरफ पानी है। अगर इंटरव्यू के लिए नहीं जा सके तो उसका कलेक्टर बनने का सपना टूट जाएगा बेटा। अब तुम ही कुछ करो बेटा। ये सुनकर जगदीश अपने बड़े बेटे पवन को फोन करता है। अरे बेटा पवन, गांव में बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया है। मेरे दोस्त के बेटे का कलेक्टर का कल इंटरव्यू है, क्या तुम उस दिन के जैसे प्लेन लेकर आओगे बेटा? अरे क्या बात कर रहे पिताजी, अब गांव के भिखारियों के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं नहीं आ सकता, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। ये सुनते ही जीवन अपनी फ्लाइंग बाइक निकालता है और उस किसान के बेटे को बिठाकर उड़ते हुए शहर में इंटरव्यू ऑफिस पहुंचता है। उस किसान का बेटा कलेक्टर बन जाता है और वो एक दिन गाँव में आकर एक बहुत बड़ा फ्लाइंग बाइक का कॉन्ट्रैक्ट जीवन को देता है और इस तरह से जीवन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है।